हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन। पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं। ओके, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटे पार्ट को टोकन कहा जाता है। आप इसको लेक्सिकल यूनिट भी कह सकते हो। ओके, पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन्स। पाइथन में ये डिफरेंट टाइप्स के टोकन्स हैं, लाइक कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आप इन टोकन्स का यूज़ करते हो, आप कीवर्ड्स का यूज़ करते हो, आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हो, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स का यूज़ करते हो। ओके, अब इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि टोकन बेसिकली है क्या। ओके, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं टोकन का। आपने प्रिंट फंक्शन लिया है। ओके, यहाँ पर प्रिंट क्या है, कीवर्ड है, राइट। और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिटरल ले रही हूँ, हेलो वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट। ओके, एंड यहाँ पे कोर्स को आपने कर दिया क्लोज, राइट। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंट आपने लिया है, प्रिंट क्या है, ये कीवर्ड है। ओके, राइट, एक हमने कमांड लिखी है यहाँ पे पाइथन की। ओके, ये सर्कुलर ब्रैकेट्स क्या है, आपके पंक्चुएटर्स हैं, राइट। आपके कोट्स क्या है, पंक्चुएटर्स हैं। हेलो क्या है, हेलो एंड वेलकम टू पाइथन क्लास क्या है, आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, और यू कैन से स्ट्रिंग लिटरल है, राइट। ओके, अब यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दो, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो देखो यहाँ पे जो आपने कमांड लिखी है प्रोग्राम में, राइट, तो दीज आर व्हाट, दीज आर द टोकन्स। अगर हम इसको ब्रेक करें, जैसे प्रिंट है, प्रिंट क्या है, कीवर्ड है, ये क्या है, एक टोकन है, राइट। आपका ब्रैकेट जो सर्कुलर ब्रैकेट है वो क्या है, टोकन है, फाइन। ओके, पंक्चुएटर है, फाइन। तो जो भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग होती है वो किससे मिलके बनती है, वो टोकन्स से मिलके बनती है, राइट। और जो प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, राइट, उसको क्या कहा जाता है, टोकन कहा जाता है। ओके, फर्स्ट वी हैव कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स डेट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग है। ओके, आप इनको एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हो, राइट। दीज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस। इनका कुछ ना कुछ पर्पस होता है जिसके लिए आप इनको यूज करते हो। एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नेम। इनको नॉर्मली आइडेंटिफायर नेम, एज अ आइडेंटिफायर नेम इनको यूज नहीं कर सकते, राइट। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपके, फॉल्स, नन, ट्रू। यहाँ पे फॉल्स एंड ट्रू क्या है, आपका बुलियन वैल्यूज है, क्लास। ओके, डेफ, डेफ फंक्शन के आगे यूज किया जाता है एज अ कीवर्ड। ओके, फोर आपके लूपिंग के लिए यूज होता है। तो दीज आर व्हाट, ये क्या है, ये आपके स्पेशल, जहां पे पर्पस होता है इनका, सिर्फ वहीं यूज किए जाते हैं, राइट। ओके, अब इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम कीवर्ड का एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे इफ हमारा क्या है, एक कीवर्ड है, राइट। ओके, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज करते हैं। अगर मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ नॉर्मल आइडेंटिफायर, एज अ नॉर्मल नेम, वेरिएबल नेम यूज करती हूँ, तो क्या ये होगा सही, मतलब ये करेक्ट रिजल्ट देगा, नहीं, ये सिंटेक्स एरर देगा, आ गया। अभी इसके प्लेस पे मैं कुछ दूसरा वेरिएबल लेती हूँ, राइट, कोई एरर आई, नहीं आई, फाइन। लेकिन अगर मैं इफ को क्या करती हूँ, यूज करती हूँ फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल्स टू 20 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इफ़ के साथ कंडीशन दे दी है, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, फाइन, प्रिंट एलिजिबल टू वोट, ओके, एज प्रिंट नॉट एलिजिबल, राइट। इसको हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। यहाँ पे इसका नेम हम कुछ भी देते हैं, ए बी सी डी 1, बिकॉज ऑलरेडी एस नेम से सेव थी, राइट। और अब इसको रन कराएंगे, F5। देखो आपका आंसर आ गया एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ पे आपने इफ को जब एक नॉर्मल आइडेंटिफायर, नॉर्मल वेरिएबल के तरह लिया, तो क्या हुआ, एरर आई है आपकी, बट
ये क्या है, कीवर्ड है जिसका एक स्पेशल पर्पस है, राइट। इसको आप कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है, कुछ स्पेशल वर्ड्स है जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है और कुछ स्पेशल पर्पस होता है, उसी पर्पस के लिए आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो, राइट। नाउ वी हैव आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। आइडेंटिफायर्स क्या है, जो आप प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को जो नेम देते हो उसे आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। लाइक वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल नेम, ओके। सो द नेम दैट यू गिव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड, और यू कैन से आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। वो नाम जो आप प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को देते हो, राइट, उसको आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। अब आप नेम जब रखोगे किसी भी पार्ट का, राइट, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल्स क्या है, आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल्स ऑफ पाइथन आर द फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। आप जब भी किसी वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, किसी भी पार्ट का नेम रख रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो उसका फर्स्ट करेक्टर है वो कोई भी लेटर हो सकता है, मतलब ए टू जी कैपिटल लेटर हो सकता है आपका, राइट, या आपका स्मॉल लेटर हो सकता है वो, राइट, ओके, और अंडरस्कोर हो सकता है, वो नंबर नहीं होगा, फर्स्ट करेक्टर, फाइन। अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट एंड ऑलवेज कंसीडर इट कि अगर आपने कोई वेरिएबल लिया है, लेटर, सपोज आपने एक वेरिएबल लिया ए इक्वल्स टू टू, राइट, एंड आपने एक वेरिएबल लिया अगेन ए इक्वल्स टू, लेटर, सपोज आपने थ्री लिया है या इसमें भी वैल्यू टू ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ओके, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये सेम वेरिएबल्स नहीं हैं, राइट, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। द डिजिट 0 टू 9 कैन बी पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट करेक्टर। आप किसी भी नेम में 0 टू 9 क्या ले सकते हो, डिजिट्स ले सकते हो, लेकिन आपको क्या कंसीडर करना है कि 0 टू 9 जो आप डिजिट ले रहे हो वो आप नेम के एंड में ले सकते हो, नेम के इन बिटवीन ले सकते हो, बट नेम की स्टार्टिंग में आप नंबर्स नहीं लोगे, फाइन। एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन। आप किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर नहीं बनाओगे, जैसे मैंने भी अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि इफ इक्वल्स टू टू लिया था, तो वो इफ क्या है, इफ एक कीवर्ड है, आप उसको एज अ नेम पर्पस के लिए आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर जब आप नेम देते हो प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को, राइट, तो आप उसके अंदर कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, सिर्फ आप अंडरस्कोर ही यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वैलिड आइडेंटिफायर्स, आपका माई फाइल ये आपका वैलिड है, बिकॉज देखो आपका फर्स्ट करेक्टर क्या है, कैपिटल लेटर है, फाइन, इट्स नॉट अ नंबर। देन सेकेंड डेट 9_7_77, राइट, दिस इज ऑल्सो योर वैलिड आइडेंटिफायर, माई फाइल वैलिड आइडेंटिफायर। अब देखो इसके अंदर आपने स्टार्टिंग में अंडरस्कोर दिया है, दिस इज ऑल्सो वैलिड, राइट, दिस इज ऑल्सो वैलिड। देन z2t0z9_, दिस इज ऑल्सो वैलिड, ओके, fil आई थिंक e13, दिस इज वैलिड, ओके। तो दीज आर वॉट, दीज आर द वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स। ये वैलिड आइडेंटिफायर्स है, ये आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो एज अ आइडेंटिफायर्स, राइट। और इनवैलिड देखो यहाँ पे इनवैलिड क्यों है, इसके अंदर आपने क्या लिया है, हाइफ़न लिया हुआ है, राइट, सिर्फ अंडरस्कोर का ही, स्पेशल करेक्टर्स में सिर्फ अंडरस्कोर को आप यूज कर सकते हो, हाइफ़न कैन नॉट बी यूज्ड हियर। अब देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे 29 आपने नंबर को स्टार्टिंग में लिया है इसलिए इनवैलिड है। देन ब्रेक, ब्रेक क्या है, आपका कीवर्ड है। देन माई डॉट, यहाँ पे अगेन आपने एक डिफरेंट स्पेशल करेक्टर लिया है, तो दीज आर द इनवैलिड आइडेंटिफायर, राइट। तो मैंने अभी इसका एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ मैं आपको, ओके। तो अभी हम क्या लेते हैं, एक वेरिएबल नेम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ds, राइट, और इक्वल्स टू टू, राइट। अब मैंने इसको लिखा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, फाइन। अगर मैं इसको लिखती हूँ ds, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ गई, फाइन। अब देखो कि मैंने लिखा यहाँ पे ds और मैंने यहाँ पे हाइफन दे दिया और यहाँ पे लिख दिया w, राइट, ओके, एंड इक्वल्स टू मैंने दे दिया यहाँ पे 2, राइट। अब क्या होगा, इसके अंदर एरर आएगी क्योंकि ये क्या है, इनवैलिड आइडेंटिफायर है, सिंटेक्स एरर आ गई, फाइन, ये सिंटेक्स एरर है, ओके। अब चलो एक और लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया एक वेरिएबल नेम, आपने लिया, लेट अस सपोज आपने लिया माई फाइल वन इक्वल्स टू
3, फाइन, कोई एरर नहीं है, ओके। यहाँ पर ये क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर है। अगर मैं लेती हूँ 1 5 इक्वल्स टू 3, अब इसमें क्या है, इसके अंदर एरर आएगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया है, नंबर लिया है, एरर आ गई, फाइन। तो आप क्या करोगे, जब आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करोगे, राइट, अपने प्रोग्राम के किसी भी पार्ट को नेम दोगे, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ओके, कि फर्स्ट लेटर आपका हमेशा आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, राइट, चाहे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट हो, चाहे वो स्मॉल अल्फ़ाबेट हो, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, वो कभी भी नंबर नहीं होना चाहिए। आप कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नहीं लोगे, ओके, एंड आप सिर्फ एक ही स्पेशल करेक्टर ले सकते हो, वो क्या है, अंडरस्कोर, ओके, एक्सेप्ट फ्रॉम दिस आप कोई भी दूसरा स्पेशल करेक्टर नहीं लोगे, फाइन। नाउ वी हैव लिटरल्स। लिटरल्स आर द डेटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। लिटरल्स वो डेटा आइटम्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ओके। पाइथन सपोर्ट्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स में स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं, लाइक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है स्ट्रिंग वैल्यू का रोहन। न्यूमरिक लिटरल्स, न्यूमरिक लिटरल्स में न्यूमरिक वैल्यूज होती हैं, आपके इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर। बुलियन लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स में आपके ट्रू या फॉल्स वैल्यू होगी। स्पेशल लिटरल्स, ओके, स्पेशल लिटरल में आपका नन है, राइट, नन क्या है, नन कोई भी वैल्यू कंटेन नहीं करता, बट जहाँ पे आप चाहते हो एक आइडेंटिफायर नेम हो जो कोई भी वैल्यू कंटेन ना करे, वहाँ पे आप आइडेंटिफायर को किस वैल्यू से इनिशियलाइज करवा सकते हो, नन से। अब मैं ये आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाती हूँ, ओके, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल का एग्जाम्पल लेते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया str1, उसमें आपने वैल्यू दे दी, सिंगल कोट्स में आपने दे दिया हेलो। तो आप स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कोट्स में भी दे सकते हो, डबल कोट्स में भी दे सकते हो, हेलो, राइट। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वेरिएबल ले लिया str2, और उसमें मैंने ले दिया डबल कोट्स में वेलकम टू क्लास, राइट, ओके। अब देखो, मैंने अगर str1 को प्रिंट कराया, इसकी वैल्यू आ गई है str2, ओके, फाइन। अब देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने स्पेस दिया था, क्यों दिया था, इसका रीज़न मैं बताती हूँ। str1 प्लस str2, अगर आप दोनों को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, कॉनकैट हो जाएंगे, कॉनकैटिनेशन हो जाएगा, मींस ज्वाइनिंग हो जाएगी, str1 एंड str दोनों स्ट्रिंग्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी, फाइन। तो यहाँ पे ये आ गया हेलो वेलकम टू द क्लास, ओके, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे एक और आपने स्ट्रिंग लिटरल लिया str3, ओके, तो यहाँ पे देखो मैं लेती हूँ एग्जाम्पल, यहाँ से कॉपी करते हैं, हम हिंदी फॉन्ट को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, राइट, और उसको यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे एज अ स्ट्रिंग, कंट्रोल वी, राइट, ओके। अब अगर आप str3 लेते हो, str3, फाइन, तो देखो ये प्रिंट हो गया है, राइट, ओके, बिकॉज पाइथन क्या है, ये यूनिकोड करेक्टर को फॉलो करती है, करेक्टर सेट को, और यूनिकोड में क्या है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड की जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको ये कवर करता है, उन सब के करेक्टर्स को ये कवर करता है, राइट, हिंदी, संस्कृत, ये सब के करेक्टर्स को कवर करता है, फाइन। तो यहाँ पे देखो मैंने ये दिखाया कि आप स्ट्रिंग लिटरल कैसे क्रिएट कर सकते हो, फाइन। अभी तक जो आपने यहाँ पे किया, जहाँ पे जो स्ट्रिंग लिटरल्स आपने क्रिएट किए हैं, वो क्या है, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स हैं, राइट, दीज आर व्हाट, दीज आर सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स, एक ही लाइन में आपने स्ट्रिंग जो आती है उसको स्ट्रिंग सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स कहा जाता है, फाइन। अगर मान लो आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, तो आप कैसे क्रिएट करोगे, तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, राइट, फर्स्ट क्या है, बाय एडिंग अ बैकस्लैश। आप मल्टीपल लाइन्स में अगर स्ट्रिंग लिखना चाहते हो, तो आप जो एंड ऑफ द स्ट्रिंग है उसमें बैक स्लैश को ऐड करो। जब मैं एग्जांपल देके आपको बताती हूँ, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया एड्रेस, फाइन, उसमें मैंने दे दिया एड्रेस को दे दिया D90, ओके, निवेदिता एनक्लेव, राइट, ये मेरी फर्स्ट लाइन होगी स्ट्रिंग की, उसके बाद मैंने बैक स्लैश दे दिया, ओके, एंड देन मैंने लिखा PASCHIM पश्चिम बिहार, राइट, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इस एड्रेस को मैं प्रिंट करा दूँगी, प्रिंट एड्रेस, राइट, ये आपका एड्रेस आ गया।
राइट। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल लाइंस में आपने अपनी स्ट्रिंग को दिया है, वैल्यूज को दिया है, एंड देन आपने इसको प्रिंट करा दिया है। फाइन, तो एक तो मेथड ये हो गया कि आप बैक स्लैश ऐड कर सकते हो, राइट। और सेकेंड मेथड क्या है, बाय टाइपिंग टेक्स्ट इन ट्रिपल कोटेशन मार्क्स। आप ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में अपने टेक्स्ट को लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एड्रेस, राइट। उसके बाद मैंने इसको सिंगल, आप ट्रिपल जो कोटेशन मार्क्स ले सकते हो, सिंगल कोट्स भी ले सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 1 2 3 तीन सिंगल कोट्स लिए हैं, राइट। अगेन D90 एंड निवेदिता एनक्लेव, फाइन। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट लाइन में जाके लिख दिया पश्चिम बिहार, राइट, ओके। एंड यहाँ पे चलो एक लाइन और ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया दिल्ली एंड ट्रिपल कोट्स, फाइन। अब देखो मैं अगर इसको प्रिंट कराती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट एड, देखो आपका आ गया, एड्रेस आ गया है, ओके। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ट्रिपल कोट्स का यूज़ किया है, फाइन। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको जो आपने यहाँ पे सिंगल लिया है उसको हम क्या ले सकते हैं, डबल ट्रिपल कोट्स भी ले सकते हैं। जैसे अगेन आप एड्रेस लिखो यहाँ पर, एड्रेस इक्वल टू 1 2 then 3, राइट। ऊपर से कॉपी कर लेते हैं इसको, हमने कॉपी कर लिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं कॉपी कर लेती हूँ, और इसके बाद मैंने इसको प्रिंट करा दिया कंट्रोल वी, ओके। एंड 1 1 2 3, राइट, ओके। ट्रिपल कोट्स में आपने दे दिया है इसको, अब हम एड्रेस को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एड्रेस, फाइन। आ गया आपका एड्रेस। तो ऐसे आप मल्टीपल लाइंस में भी इसको स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, फाइन, ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हो, राइट, आपने ट्रिपल कोट से क्रिएट किया है, आपने बैक स्लैश से क्रिएट किया है, तो जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करते हो बाय यूजिंग द ट्रिपल कोट्स, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ, मैंने सिंगल लिया ए देन बी देन सी, राइट, ये मैंने एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट की है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करोगे तो यहाँ पे एंड ऑफ लाइन करेक्टर काउंट होगा, और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन करेक्टर क्या है, एंटर है, मैंने 2 times एंटर को प्रेस किया है, फाइन। तो अब देखो अगर मैं इसकी क्या लेती हूँ लेंथ, अगर मैं काउंट करती हूँ लेन एस टी आर, तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ आएगी 5, फाइन, क्योंकि यहाँ पे 2 times ए के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, बी के बाद मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे ए बी सी काउंट हुआ है, और 2 times जो एंटर प्रेस किया है वो भी काउंट हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एंड ऑफ लाइन करेक्टर मीन्स एंटर काउंट हुआ है। लेकिन अगर आप बैक स्लैश से बनाते हो मल्टी लाइन स्ट्रिंग, राइट, मैंने यहाँ पे किया बैक स्लैश का यूज़ किया, ओके, बी देन बैक स्लैश, देन आपने सी किया बैक स्लैश, ओके। अब अगर मैं लेंथ इसकी काउंट करती हूँ एस टी आर, तो क्या होगा, बैक स्लैश यहाँ पे काउंट नहीं होगा, फाइन। तो इसकी लेंथ आ गई 3 आ गई है, ए बी सी काउंट हुआ है, यहाँ पे बैक स्लैश काउंट नहीं हुआ है, ओके। तो जब आप एंटर प्रेस करते हो, फाइन, एज अ एंड ऑफ लाइन करेक्टर, तो वो काउंट होगा, बट बैक स्लैश अगर आप एंड ऑफ लाइन एज अ एंड ऑफ लाइन करेक्टर लेते हो तो वो काउंट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट हम लेंगे न्यूमरिक लिटरल का एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, इसको मैंने वैल्यू दे दी 20, तो यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, इसको एक इंटीजर वैल्यू दे रही हूँ, फाइन। तो आप न्यूमरिक लिटरल्स में क्या लेते हो वैल्यूज, आप इंटीजर वैल्यूज ले सकते हो, आप फ्लोट वैल्यूज ले सकते हो, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले सकते हो, फाइन। सेकंड मैंने ले लिया बी, इसको मैंने दे दिया 30, आप इसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस करवा सकते हो, लाइक ए प्लस बी दे दिया आपने, ए माइनस बी दे दिया, ठीक है, तो ए इंटू बी आपने दे दिया, फाइन। ऐसे आप इसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो न्यूमरिक लिटरल्स के ऊपर। जैसे अब यहाँ पे मैंने जैसे ए को दे दी वैल्यू, अब ले लो आप 10.5,
फाइन, एंड बी को मैंने दे दी 2.5 लेट अस सपोज, मैंने यहाँ पे कर दिया ए प्लस बी, राइट, और आपने दे दिया ए माइनस बी, ओके, और आपने कर दिया ए इंटू बी। आप मैथमेटिकल जितने भी फंक्शंस है सारे अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स के ऊपर, फाइन, तो आपने ये दे दिया, ओके। एक एग्जांपल इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स लिटरल का ले लेते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ले लेते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट सपोज एक्स, एक्स को मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर से इनिशलाइज करूँगी, मैंने यहाँ पे किया 2 + 5 z, ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अब मैं अगर प्रिंट कराती हूँ, इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, तो एक्स डॉट रियल, राइट, एंड एक्स डॉट इमेजिनरी पार्ट, राइट, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, इसका रियल पार्ट है, 2.0 आ गया रियल पार्ट, एंड जो इसका 5j था वो इसका क्या था, इमेजिनरी पार्ट था, राइट, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे बूलियन लिटरल का। बूलियन लिटरल के अंदर दो वैल्यूज होती हैं, ट्रू और फॉल्स, राइट, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें मैं एक एक्सप्रेशन यहाँ पे इसको इनिशलाइज करूँगी, इस वेरिएबल को मैंने यहाँ पे लिखा 10 is greater than 20, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 10 is greater than 20, अब प्रिंट करा दें ये ए की वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, फॉल्स प्रिंट होगी, फाइन, और मैं अगर यहाँ पे करती हूँ ए इक्वल्स टू 10 is smaller than 20, राइट, एंड देन प्रिंट ए, फाइन, तो आपका आ गया ट्रू, राइट, तो ये यहाँ पे जो ए है वो हमारा क्या है, बूलियन लिटरल है, फाइन। नेक्स्ट आपका है नन लिटरल, ठीक है, नन लिटरल क्या होता है, जहाँ आपको कोई भी वैल्यू नहीं शो करनी, वहाँ सिर्फ आपको आइडेंटिफाई नेम शो करना है बट वैल्यू नहीं शो करनी, वहाँ पे आप नन लिटरल लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू वन हमने दे दी 20, ठीक है, वैल्यू 120 हो गई, आपने दिया वैल्यू 2 और वैल्यू 2 में आपने दे दिया नन, राइट। अब देखो वैल्यू वन अगर आप प्रिंट कराते हो आ गया 20, अगर आप वैल्यू 2 प्रिंट कराते हो तो क्या आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ओके। अब अगर आपने देखना चाहते हो कि जो वेरिएबल 2 है आपका उसमें कौन सी वैल्यू है, तो आप वेरिएबल 2 प्रिंट करा के देख सकते हो, वेरिएबल 2, राइट, वैल्यू आ गई नन, ओके। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पास वेरिएबल आ जाए बट उसके अंदर कुछ भी सेव ना हो एट प्रेजेंट, आप लेटर ऑन कुछ सेव करना चाहते हो, तो आप उसको इनिशलाइज कर सकते हो विद नन, फाइन। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच रिप्रेजेंट कॉम्पिटिशन। ऑपरेटर्स कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप कॉम्पिटिशन कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। दे आर अप्लाइड ऑन ऑपरेंट्स। ऑपरेटर्स को ऑपरेंट्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है विच कैन बी वैल्यूज और वेरिएबल्स, राइट। तो ऑपरेंट्स यहाँ पे वैल्यूज भी हो सकती हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, लाइक आपने यहाँ पे किया 5 + 3, राइट, तो यहाँ पे 5 and 3 क्या है, 5 and 3 ऑपरेंट्स है एंड प्लस क्या है, ऑपरेटर है, ओके। या फिर अगर आप वेरिएबल्स पे भी ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हो, लाइक आपने एक वेरिएबल लिया ए, आपने ए लिया ए इक्वल्स टू 2, राइट, आपने बी लिया b = 5, राइट, अब यहाँ पे ए, नाउ यू आर डूइंग ए प्लस बी, ओके, तो यहाँ पे ए एंड बी क्या है, आपका ऑपरेंट्स है एंड प्लस क्या है, आपका ऑपरेटर है, राइट। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसमें आपका प्लस माइनस डिवीजन, ओके, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, रिलेशनल में आपका कंपैरिजन आ जाएगा, ओके, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, लॉजिकल में आपका आ जाएगा एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स, राइट, असाइनमेंट में आपका आ जाएगा इक्वल्स टू, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, लाइक आपने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए, लेट अस सपोज आपने दो वेरिएबल ले लिए, ए आपने ले लिया 10, राइट, एंड बी आपने ले लिया यहाँ पे 2, ओके। सो अगर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसमें अप्लाई करने हैं तो आप ले सकते हो ए प्लस बी, राइट, आप ले सकते हो ए माइनस बी, ओके, तो आप यहाँ पे हम क्या करें, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, राइट, एंड आप ले लो ए डिवाइडेड बाय, ए ले लेते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, ओके, देन ए मॉड्यूलस बी,
राइट। ए मॉड्यूलस बी में क्या है, इसमें रिमाइंडर आएगा, तो आपका रिमाइंडर जीरो आया यहाँ पर, फाइन। तो ये आपने यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दे दिए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। ऐसे ही हम यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे पूछूँ कि ए इज स्मॉलर देन बी, राइट, तो फॉल्स आ गया बिकॉज ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू 2 है। अब मैं लिख यहाँ पे लिखती हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, राइट, ट्रू आ गया है, ओके। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ए नॉट इक्वल टू बी, राइट, ओके, ट्रू, क्योंकि दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है। या फिर आप कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, राइट, इज ए इज ए इज इक्वल टू बी, राइट, फॉल्स, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स के। अब यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये आपकी सिचुएशन, जो आपका एक्सप्रेशन है ट्रू है, ठीक है, एंड मैंने कर दिया 5 इज स्मॉलर देन 2, ओके, तो आपका फर्स्ट क्या है ट्रू है, सेकंड आपका फॉल्स है, तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। फॉल्स आया क्योंकि एंड के केस में दोनों एक्सप्रेशन का ट्रू होना जरूरी है। अगर मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, राइट, एंड अगेन 5 इज ग्रेटर देन 2 या 3 या 4, वट एवर आपने कर लिया ये, ठीक है, तो अब आएगा इसका ट्रू क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, फाइन। इसमें हम और लेते हैं, इसमें से दोनों में से एक भी करेक्ट होगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, राइट, 5 इज ग्रेटर देन 2, ये आपका ट्रू है, और ठीक है सेकेंड हम ले लेते हैं फॉल्स, 5 इज स्मॉलर देन 2, ओके, लेकिन इवन देन अब रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि और के केस में दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन ट्रू हो तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है, ट्रू आ गया है, ओके। नॉट का ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया नॉट, राइट, नॉट 5 इज ग्रेटर देन 2, अब 5 इज ग्रेटर देन 2 तो ट्रू है, नॉट लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिजल्ट ही आ जाएगा फॉल्स, फॉल्स आ गया, फाइन। तो ये आपने क्या किया है, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, जब आप किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो, वो किसकी हेल्प से करते हो, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं इक्वल्स टू, राइट, ए इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई है 2, फाइन, सो दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वी हैव पंक्चुएटर्स और डीलिमिटर्स। डीलिमिटर्स आर द सिम्बल्स विच कैन बी यूज एज सेपरेटर्स ऑफ वैल्यूज और टू एनक्लोज सम वैल्यूज। तो डीलिमिटर्स क्या है, कुछ सिम्बल्स हैं जिनकी हेल्प से आप वैल्यूज को सेपरेट कर सकते हो एक दूसरे से, ओके, या फिर वैल्यूज को आप एनक्लोज कर सकते हो, राइट, एक ग्रुप में आप उनको डाल सकते हो, फाइन। मोस्ट कॉमन पंक्चुएटर्स और डीलिमिटर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कोट, सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश, राइट, आपका सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, एट द रेट, कोमा, कॉलन, डॉट, इक्वल्स टू, राइट, तो ये सारे क्या है, पंक्चुएटर्स हैं, फाइन। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं डीलिमिटर और यू कैन से पंक्चुएटर का। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया ए, राइट, इक्वल्स टू, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे कोमल, यहाँ पे कोट्स ले रही हूँ, कोट्स क्या है आपका, पंक्चुएटर है, फाइन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, हेलो, ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, कोमा का यूज़ किया है, कोमा आपका क्या है, पंक्चुएटर है, और यू कैन से डिलिमिटर है। इसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम टू पाइथन क्लास, राइट, एंड ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपका सर्कुलर ब्रैकेट यूज हुआ है वो क्या है आपका, पंक्चुएटर है, डिलिमिटर है, फाइन। ये कोमा जो यूज हुआ है वो भी आपका डिलिमिटर है, आपका, आपने जो सिंगल कोट यूज किया है वो भी आपका डिलिमिटर है, फाइन। अब आप इसको एंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे ए लिख दिया तो आपकी ये वैल्यू आ गई है, फाइन। ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।